Welcome to all the students of Sri Siddh Vidyapeeth School. So students, I hope you all understand the previous class. So students, today we are going to complete the remaining part of the chapter, components of food. So in the previous class, we studied about the nutrients, carbohydrate, proteins and fats. But today we are going to study the very essential nutrient which is known as vitamins. So what is the function of vitamins? So vitamins helps in keeping our eyes, bones, teeth and gums healthy. The food items rich in vitamins are called protective food because as they protect our body from diseases and keeps us healthy. So vitamins हम सबको किस तरीके से मदद करता है? क्यों वो हमारे eyes, bones, teeth and gums को healthy रखता है. और अगर कोई फूड आइटम्स बहुत उसमें ज़्यादा मात्रा में विटामिन्स हो तो उसको क्या बोला जाता है? प्रोटेक्टिव फूड बोला जाता है, क्योंकि वो हमें डिजीजेस से प्रोटेक्ट करता है और हमें हेल्दी रहने में मदद करता है. सो बेसिकली द क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन्स, विटामिन्स आर डिवाइडेड इंटू टू ग्रुप्स. विटामिन्स दो ग्रुप में डिवाइड किए हुए हैं, जैसे कि फर्स्ट वन इज फैट सॉल्यूबल. So fat soluble includes vitamin A, vitamin D, vitamin E and vitamin K. And the second group is water soluble, which is vitamin C, vitamin B complex. Okay students? So here there are some sources of vitamins A. तो कुछ sources of vitamin A मतलब जिस खाने जो चीज़ खाने से हम लोग को vitamin मिल सकता है, जैसे कि vitamins हम सभी ने अभी पढ़ा कि vitamins बहुत तरीके के होते हैं, तो ये कुछ sources हैं जहाँ से हमको vitamin A मिलेंगे. तो क्या क्या हैं वो? Milk, fish oil, some like papaya, carrot. So these are all the sources of vitamin A. So some sources of vitamin B includes liver, like it contains meat, and some dals and pulses like rice. Okay, so some sources of vitamin C were like orange, tomato, lemon, amla, guava. So these are all the sources of vitamin C. And some sources of vitamin D were milk, butter, that's like liver, egg, fish. These are all the sources of vitamin D. जो इन सब को खाने से हम लोग को क्या मिलेगा? विटामिन डी. एंड ऑल्सो स्टूडेंट्स, इज अ वेरी इंटरेस्टिंग समथिंग फैक्ट्स टू नोन अबाउट, लाइक आवर बॉडी ऑल्सो प्रिपेयर्स विटामिन डी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. तो हम लोग का जो शरीर है, अगर हम लोग सनलाइट मतलब धूप में खड़े हो जाएं, तो हमारा बॉडी अपने आप ही क्या प्रिपेयर कर लेता है? विटामिन डी प्रिपेयर कर लेता है. तो हुआ ना, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ हम लोग हम सबको जानने को मिला. तो चलिए, नाउ वी विल स्टडी अबाउट विटामिन्स फंक्शंस एंड सोर्सेस. तो हम अभी पढ़ेंगे कि कौन कौन से विटामिन्स होते हैं और उसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं और उसके क्या क्या सोर्सेस होते हैं, मतलब वो विटामिन्स हम सबको कहाँ से मिलते हैं. सो लाइक विटामिन ए, विच व्हाट इज द फंक्शन ऑफ विटामिन ए? इट कीप्स आवर आईज एंड स्किन हेल्दी. एंड व्हाट आर द सोर्सेस? मैंगो, पम्पकिन, कैरेट, मिल्क, फिश ऑयल एक्सेट्रा. सो दीज ऑल आर द सोर्सेस ऑफ विटामिन ए. सो सेकेंड वन इज विटामिन बी, विच इज एसेंशियल फॉर वेरियस फंक्शंस ऑन ऑफ आवर बॉडी. सो व्हाट आर द सोर्सेस? व्हीट, राइस, फ्रूट्स, एग्स, फिश, नट्स एक्सेट्रा. नाउ वी विल स्टडी अबाउट विटामिन सी. सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ विटामिन सी? इट फाइट्स अगेंस्ट मेनी डिजीजेस. सो व्हाट आर देयर सोर्सेस? आमला, गुआवा, ऑरेंज, लेमन, टोमेटो. सो दीज ऑल आर द सोर्सेस ऑफ विटामिन सी. नाउ वी विल स्टडी अबाउट विटामिन डी. सो इट हेल्प्स आवर बॉडी टू यूज कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ. तो विटामिन डी हम सबको जो कैल्शियम जो होता है, एक मिनरल है कैल्शियम, उसको लेने में हेल्प करता है, उसको यूज़ करता है और हमारे बोन्स और टीथ को स्ट्रॉन्ग बनाता है. और इसके कुछ सोर्सेज क्या हैं? एग्स, मिल्क, बटर, फिश, सनलाइट एक्सपोजर एक्सेट्रा. तो सनलाइट एक्सपोजर मतलब धूप में अगर हम लोग खड़े रहें तो हमारा बॉडी अपने आप विटामिन डी प्रिपेयर कर लेता है. तो यही चीज़ हमने अभी पढ़ा. विटामिन ई, इट हेल्प्स मेंटेन्स हेल्दी स्किन एंड हेयर, स्लोज डाउन एजिंग एंड अ पावरफुल एंटी ऑक्सीडेंट. सो विटामिन ई क्या हेल्प करता है हम लोगों को? हम लोग का जो स्किन है उसको, स्किन और हेयर है उसको हेल्दी रखने में मदद करता है. और हम एजिंग मतलब हम लोग जैसे
धीरे धीरे बूढ़े हो जा रहे हैं तो उस एजिंग को वो स्लो डाउन करता है। अगर हम लोग विटामिन ई ज़्यादा मात्रा में ले तो हम लोग ज़्यादा दिन तक जवान रह सकते हैं और एक बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। सो व्हाट आर द सोर्सेस? नट्स, सीड्स, वेजिटेबल ऑयल्स एंड बनाना। So now we will study about vitamin K. So what is the function of vitamin K? It is an important factor in blood clotting, bone healthy and body repair. So blood clotting मतलब हम लोग जब हम लोग का अगर हाथ पैर कट जाए तो blood हम लोग देखते हैं कि अपने आप ही थोड़ी देर बाद बहना बंद हो जाता है। तो इस बहने इसके जो clotting का काम कौन करता है? Vitamin K करता है और ये हमारे bones और body को रिपेयर भी करता है और उसको हेल्दी भी रखता है। तो सम सोर्सेस ऑफ विटामिन के वेयर टोमेटो, स्पिनच, ब्रोकली एक्सेट्रा। सो नाउ वी विल स्टडी अबाउट सम मिनरल्स। सो व्हाट आर मिनरल्स? सो मिनरल्स आर यूज्ड बाय द बॉडी टू परफॉर्म इम्पोर्टेंट फंक्शंस सच एज फॉर्मेशन ऑफ बोन्स, टीथ एंड ब्लड सेल एंड ऑल्सो इट मेंटेन्स नॉर्मल हार्ट बीट। सो मिनरल्स किस चीज़ के लिए हमारे बॉडी में यूज़ होता है? तो हम लोग जो बॉडी में जो इम्पोर्टेंट फंक्शंस होते हैं जैसे कि हमारे जो बोन्स जो बनते हैं, नए नए बोन्स जो बनते हैं, टीथ का जो फॉर्मेशन होता है, ब्लड सेल्स जितने भी ब्लड सेल्स हैं उसका जो फॉर्मेशन होता है और हमारा जो हार्ट बीट है उसको भी मेंटेन रखने के लिए हम लोगों को मिनरल्स की ज़रूरत पड़ती है। सो द मेजर फाइव मिनरल्स आर आयोडीन, आयरन, कैल्शियम, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, सोडियम एंड पोटेशियम। तो ये सारे जो मिनरल्स है ये बहुत ही मेजर है, मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जैसे कि आयोडीन है, आयरन है, कैल्शियम है, फॉस्फोरस है, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सारे मिनरल्स के नाम हैं। तो हियर आर सम सोर्सेस ऑफ आयोडीन यू कैन सी लाइक फिश, लाइक हियर दिस इज अ प्रॉन, लाइक हियर जिंजर, स्पिनच, सो दीज आर ऑल द सोर्सेस ऑफ आयोडीन। हियर देयर आर सम सोर्सेस ऑफ आयरन like apple, spinach and like meat, those these are all the sources of some irons. So here you can see some sources of phosphorus also, like milk, banana, some rice, grains, these are all the sources of phosphorus. So these are sources of calcium like milk and egg. So these are the examples of some minerals and their sources. Now we will study about the minerals and their functions, benefits and their food sources. जैसे कि हम अभी पढ़ेंगे कि कौन कौन से मिनरल होते हैं और उसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं और उसके फूड सोर्सेस क्या क्या होते हैं। सो लाइक कार्बन, कैल्शियम, सो कैल्शियम, वॉट इज द फंक्शन ऑफ कैल्शियम? इट बिल्ड्स बोन्स, टीथ, हेल्प्स ब्लड क्लॉट, असिस्ट नर्व्स, मसल्स एंड हार्ट टू फंक्शन। सो ये किस चीज़ में हेल्प करता है? हमारे बोन्स को, टीथ्स को ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, बोन्स टीथ्स को बिल्ड करने में हेल्प करता है और नर्व, हमारे जो नर्व है मसल्स है उसको असिस्ट करता है और हमारा जो हार्ट है इसके हार्ट को भी फंक्शन मतलब प्रॉपर फंक्शनिंग करने में हेल्प करता है। सो व्हाट आर द फूड सोर्सेस? लाइक मिल्क, चीज़, योगर्ट, बटर मिल्क, टोफू। सो इफ़ यू ईट दिस यू कैन गेट कैल्शियम। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, you all must drink milk, okay? So what is phosphorus? So phosphorus helps to build teeth and bones, helps body get energy from food. So phosphorus किस चीज़ में help करता है? हमारे जो teeth है, bones हैं, उनको build करने में help करता है और हमारे body में जो खाने से energy आती है उसको पाने में help करता है। तो what are their sources? Milk, milk products, meat, fish, poultry, eggs, nuts, dried peas and beans. So these are all the products which helps us to get phosphorus. So iron forms of red blood cells helps body get energy from foods. So it wo kis cheez mein help karta hai? Red blood cells form karne mein help karta hai aur body ko energy paane mein help karta hai. So liver organ meats like egg yolk, meat, poultry, so these are all the sources of minerals. Now we will study about sodium, controls water balance, regulates nerves, impulses and muscle contraction. So muscle contractions जो होते हैं हमारे, हम जो हाथ पैर उठाते हैं ये एक हमारे जो muscles मौजूद हैं, तो इस contractions को, इस function को help करने में कौन मदद करता है? Sodium. So here are some food sources of sodium which are salt, meat, fish, poultry, milk and milk products.
पोटेशियम हेल्प्स टू कंट्रोल वाटर बैलेंस एंड रेगुलेट्स नर्व्स पर इम्पल्सिस मेल्स मसल कॉन्ट्रैक्शंस एंड हार्ट रिदम्स एंड इट व्हाट आर द सोर्सेस फ्रूट्स वेजिटेबल्स मीट फिश पोल्ट्री मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स और व्हाट इज द फंक्शन ऑफ आयोडीन रेगुलेट्स एनर्जी तो आयोडीन का अगर हम लोग कोई फूड में आयोडीन होगा तो हम लोग खाएंगे तो हम लोग को एनर्जी रेगुलेट करने में वो हेल्प करता है लाइक फूड सोर्सेस सी फूड आयोडाइज्ड सॉल्ट मैग्नीशियम हेल्प्स अस टू पार्ट ऑफ टीथ एंड बोन्स हेल्प्स बॉडी यूज कार्बोहाइड्रेट्स हेल्प्स टू रेगुलेट नर्व एंड मसल कॉन्ट्रैक्शन सो व्हाट आर देयर सोर्सेस होल ग्रेन सीरियल नट ड्राइड पीस एंड बीन्स मिल्क मीट लीफी ग्रीन मीन्स ऑल लीफी वेजिटेबल्स ऑल लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स Copper helps to build body cells, aids digestion and absorption. It also lubricates joints and organs, regulates our body temperature also. So all the liquid water, coffee, tea, soft drinks, fruit, vegetable juices, milk ice are also included copper. So students, अगर आप ये सारे food sources खा रहे होंगे या फिर अगर खाओगे आप सब तो आप सबको उन सब में से ये मिनरल्स आपको मिलेगा जो आपके बॉडी में इतने सारे फंक्शंस के लिए हेल्प करता है और हमारे लिए बहुत 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 ज़रूरी होता है सो नाउ हम सभी ने अभी क्या क्या हम सभी पिछले क्लास में ये पढ़े थे कि बहुत क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं फूड के न्यूट्रिएंट्स डाइट्री फाइबर या रफेज और वाटर तो हम सब ने अभी तक पूरे सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं उन सब के बारे में अभी पढ़ा तो अभी हम पढ़ेंगे The second component, which is called dietary fibers or roughage. So, dietary fibers are also known as roughage. So, dietary fibers ko hum log roughage bhi bol sakte hain. So, roughage does not provide any nutrients to our body, but it is essential component of our food and adds to its bulk. This helps our body get rid of undigested food and also helps in easy absorption of food. So, roughage hum logo ko जो न्यूट्रिएंट्स है वो प्रोवाइड नहीं करता है लेकिन हमारे जो कंपोनेंट ऑफ फूड में से वो जो एक है वो बहुत ही हमारे लिए एसेंशियल है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है तो ये किस तरीके से हम लोग को हेल्प करता है हमारे जो अनडाइजेस्टेड फूड हैं जो भी हम खाना खाते हैं तो उस अनडाइजेस्टेड फूड को वो मतलब वो गेट रिड कर मतलब निकाल देने में वो हेल्प करता है और किस लिए हेल्प करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड जो हमारे अंदर जो डाइजेस्टेड फूड हो रहे हैं उसको जो पूरे बॉडी में एब्जॉर्ब हो रहा है तो उस चीज़ के लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है सो रफेज इज मेनली प्रोवाइडेड बाय प्लांट प्रोडक्ट्स इन आवर फूड तो रफेज कैसे हम लोग को कहाँ से मिलते हैं प्लांट प्रोडक्ट्स से ज़्यादा हम लोगों को ये डाइट्री फाइबर्स मिलते हैं लाइक व्हाट आर द एग्जांपल्स होल ग्रेन्स एंड पल्सेस पोटैटोज फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर द मेन सोर्सेस ऑफ रफेज अंडरस्टूड स्टूडेंट्स Now we will study about the third component which is known as water. So water is, as you all know that water is very essential because bina pani piye hum sabhi zinda nahi reh sakte hain. So water performs the essential function of absorbing nutrients from our food. It also helps in throwing out some wastes from our body as urine and sweat. सो वाटर बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल फंक्शन हम लोग एब्जॉर्बिंग जो न्यूट्रिएंट्स हम लोग जो एब्जॉर्ब करते हैं न्यूट्रिएंट्स खाने में से तो वो बहुत ही ज़्यादा एक एसेंशियल फंक्शन प्ले करता है और वो हम सबको हेल्प करता है हमारे बॉडी में जो भी वेस्ट्स प्रोडक्ट्स हैं जो भी अनडाइजेस्टेड वेस्ट्स हैं तो उनको निकालने में एज अ यूरिन एंड स्वेट सो नॉर्मली वी गेट मोस्ट ऑफ द वाटर दैट आवर बॉडी नीड्स फ्रॉम द लिक्विड वी ड्रिंक सच एज वाटर मिल्क टी In addition, we add water to most cooked foods. So, normally हम लोग पानी पीते हैं और अगर कुछ liquids drink करते हैं like कुछ cold drinks हमने पिया या फिर कुछ milk पिए या फिर कुछ चाय वाय पिए तो उसमें भी liquid होता है मतलब water दे के ही वो बनाया जाता है तो और हम लोग को कहाँ कहाँ से water मिलता है जो हमारे जो खाना बनते हैं cooked foods बनते हैं एक dishes बनते हैं हमारे जो favorite dishes होते हैं तो उनमें भी water से वो कैसे prepare होते हैं उनमें भी water बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बिकॉज बिना पानी के कोई खाना नहीं बन सकता है तो वाटर इज़ वेरी एसेंशियल एंड वेरी इम्पॉर्टेंट एंड इट इज़ ऑल्सो अ कंपोनेंट ऑफ फूड ओके स्टूडेंट्स सो नाउ दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर विच इज़ नोन एज बैलेंस्ड डाइट मीन्स वट वी आर ईटिंग डेली वट वी आर इन टेकिंग डेली शुड बी बैलेंस्ड इन अ वेरी गुड गुड वे
So that is known as the balanced diet. So we will study about this in detail, that the food we normally eat in a day is our diet. So हम लोग जो खाना normally daily खा रहे हैं उसी को क्या बोलते हैं? Diet. वही हम लोग का एक diet है. So for growth and maintenance of good health, our diet should have all the nutrients that our body needs in right quantities. So हमारे body के, हमारे गुड हेल्थ के, मतलब हमारे जो हेल्थ का जो ग्रोथ है, मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ है, तो हमारा ये डाइट जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ताकि हम सबको जो जितने सारे न्यूट्रिएंट्स है वो सब मिले और हमें हम उतना ही क्वांटिटी में वो खाना खाएं और वो न्यूट्रिएंट्स भरे हुए खाना खाएं. तो नॉट टू मच वन एंड नॉट टू लिटिल ऑफ द अदर. ज़्यादा भी ना खाए और कम भी ना खाए, बैलेंस्ड खाए, एकदम जैसे कि इसको बोला जाता है बैलेंस्ड डाइट. सो द डाइट शुड ऑल्सो कंटेन अ गुड अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर. सच अ डाइट इज कॉल्ड अ बैलेंस्ड डाइट. और उस डाइट में, मतलब और उस खाने में रफेज और वाटर का भी एकदम अमाउंट जो है वो बहुत सही होना चाहिए, और उसी को बोलते हैं हम बैलेंस्ड डाइट. अ बैलेंस्ड डाइट इंक्लूड्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटीन रिच पल्सेस, sprouted seeds etc. with combinations of various flours and cereals for carbohydrates and fats, along with fruits and vegetables which provide the necessary vitamins and minerals. So students, you can see that a balanced diet includes all the combination of proteins, like all the nutrients, all the components of foods. What are those components? That like nutrients with roughage and dietary fibers with water. तो ये तीनों जो components है ये पूरा balanced way में होना चाहिए, और वैसा ही हम लोगों को खाना पूरे दिन में हम लोगों को खाना चाहिए, ताकि हमारे हमारे शरीर में good health हो और हमारा growth भी अच्छे से हो. So all you, I hope you all students understood this. So of course you have to keep in mind some points, like food must be cooked properly, because some nutrients get destroyed in the process of cooking and preparations. Like example, vitamin C. तो हम जो खाना बनाते हैं, खाना पकाते हैं, वो अच्छी तरीके से पकना चाहिए, क्योंकि जब हम लोग खाना बनाते हैं या फिर पकाते हैं प्रिपरेशंस के टाइम में, कुछ न्यूट्रिएंट्स डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं, मतलब कुछ न्यूट्रिएंट्स वहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं. तो उस चीज़ को हम लोग को ध्यान में रखना चाहिए. जैसे कि विटामिन सी, हम लोग जब ज़्यादा खाना पका लेते हैं तो वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, वो नहीं रहता है उस खाने में. तो हमको इस बात का काफ़ी ख्याल रखना चाहिए. सो डू नॉट वॉश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आफ्टर कटिंग और पीलिंग देम. तो हम लोग को फ्रूट्स जो और वेजिटेबल्स जो है, अगर उसको काट लिए हैं तो उसके बाद हम लोग को वो धोना नहीं चाहिए. काटने से पहले या फिर छीलने से, पीलिंग मतलब छीलने से पहले ही हम लोग को उसको वॉश कर लेना चाहिए. ओके, सो डू नॉट वॉश राइस एंड पल्सेस मेनी टाइम्स बिफोर कुकिंग. सो राइस और पल्सेस हैं, आप लोग देखे होंगे, आपकी मम्मी जो है जो राइस और पल्सेस को बनाने से पहले धोती हैं. तो इट्स बेटर कि हम लोग उसको या फिर 2 times or 3 times ही धोएं, उससे ज़्यादा नहीं धोएं, क्योंकि अगर ज़्यादा धोएंगे तो उसमें से कुछ हम लोग का जो विटामिन्स, मिनरल्स, वॉट एवर न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट जो रहता है राइस में, तो वो कम हो सकते हैं. डू नॉट थ्रो एक्सेस वाटर ऑफ अवर कुक्ड फूड. तो हम लोग के कुक्ड फूड में कुछ जो एक्सेस वाटर, मतलब अगर हम लोग कोई खाना बना रहे हैं उसमें पानी ज़्यादा हो गया है, तो हम लोग को वो फेंकना नहीं चाहिए. इवन दाल, अगर हम लोग दाल बना रहे हैं और उसमें पानी ज़्यादा हो गया, अगर वो पानी हम लोग पियेंगे, दैट विल बी वेरी 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 न्यूट्रिशियस फॉर अस, और वो हमारे बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है. तो ये पानी हम लोग को नहीं फेंकना चाहिए, एक्सेस वाटर. डू नॉट ओवर कुक, मतलब अगर कोई खाना एक बार बन चुका है उसको दोबारा, मतलब बहुत देर तक पकाना नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें जो भी न्यूट्रिएंट्स मौजूद रहते हैं, जो भी कंपोनेंट्स ऑफ फूड्स मौजूद रहते हैं, वो नष्ट हो सकते हैं. डू नॉट हीट फूड अगेन एंड अगेन. कोई भी खाना हमें बार बार गर्म नहीं करना चाहिए. अगर कोई खाना हमने बनाया है, हम लोग को जल्दी खा लेना चाहिए. उसको बार बार हीट करने से भी वो जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो विटामिन्स, मिनरल्स, जो भी वट एवर कॉम्पोनेंट्स प्रेजेंट इन दैट फूड, गेट डिस्ट्रॉयड. ओके स्टूडेंट्स, यू शुड ऑलवेज कीप इन माइंड दीज पॉइंट्स. सो नाउ स्टूडेंट्स, वॉट विल हैपन इफ यू डोंट ईट वराइटीज ऑफ फूड्स. लाइक हम लोग अगर वराइटीज ऑफ फूड्स अगर नहीं खाएंगे, तो हम लोग को जैसे कि कोई एक ही चीज़ पसंद है, हम लोग एक ही चीज़ खाएंगे. अगर वैराइटीज ऑफ फूड हम लोग नहीं खाएंगे तो हम लोग को क्या हो सकता है? सो नाउ व्हाट विल हैपन, वी विल इट विल बी कॉज्ड
डेफिशिएंसी इन डिसेफिशिएंसी डिजीजेस। अगर हम लोग कोई भी वराइटीज ऑफ फूड्स नहीं खाएंगे, मतलब हम लोग को न्यूट्रिएंट्स भी वराइटीज ऑफ नहीं मिल रहे हैं, तो हम लोग को क्या हो सकता है, डेफिशिएंसी डिजीजेस हो सकता है। सो व्हाट इज डेफिशिएंसी डिजीजेस? डेफिशिएंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट्स कैन कॉज डिजीजेस और डिसऑर्डर्स इन आवर बॉडी। सो डिजीजेस दैट ऑकर ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड आर कॉल्ड डेफिशिएंसी डिजीजेस। तो डेफिशिएंसी डिजीजेस क्या होता है, तो हम लोग के शरीर में अगर न्यूट्रिएंट्स सही मात्रा में नहीं जाए या फिर एक और दो ऐसे कुछ न्यूट्रिएंट्स कम जाए, तो हमारे डिजीज हमारे बॉडी में लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स होता है, मतलब न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है और हमें डिजीजेस होने लगता है। लाइक डेफिशिएंट इन प्रोटीन, अगर आपके शरीर में प्रोटीन की मात्रा कम हो तो आपको क्या क्या हो सकते हैं सिम्टम्स, मतलब उसके कुछ सिम्टम्स है डिजीजेस के, लाइक स्टंटेड ग्रोथ, मतलब आपका हाइट शॉर्ट रहेगा, स्वेलिंग ऑफ फेस, मतलब मुंह पूरा आपका फूल जाएगा, डिसकलरेशन ऑफ हेयर, मतलब वाइट हेयर, मतलब आपका जो हेयर कलर है वो धीरे धीरे वाइट होने लगेगा, स्किन डिजीजेज होने लगेगा और डायरिया का भी प्रॉब्लम हो सकता है। सो दीज ऑल आर द सिम्टम्स ऑफ डेफिशिएंट इन प्रोटीन्स। सो यू शुड टेक केयर दैट यू व्हाटएवर यू आर ईटिंग शुड बी कंटेन्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स। ओके, सो नाउ दिस इज डेफिशिएंट इन कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स। लाइक सिम्टम्स, ग्रोथ मे स्टॉप कम्प्लीटली, वेरी लीन एंड थिन, मे नॉट बी एबल टू वॉक प्रॉपरली। तो आपका ग्रोथ बहुत कम हो जाएगा, आप बहुत पतले और दुबले हो जाएंगे और आप ठीक से चल भी नहीं पाएंगे। ठीक है, तो दीज आर द सिम्टम्स इफ यू लैक कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स। ओके, सो नाउ वी विल स्टडी द पर्टिकुलर विटामिन्स और मिनरल्स विच कैन कॉज डेफिशिएंसी डिजीजेज और डिसऑर्डर एंड देयर सिम्टम्स। हम लोग अभी पढ़ेंगे कि क्या क्या विटामिन्स और मिनरल्स होता है और उसके क्या क्या डिजीजेज हो सकता है अगर वो लैक हो, मतलब वो विटामिन्स मिनरल्स हमारे शरीर में अगर उसकी मात्रा कम हो, क्या क्या डिजीज हो सकता है और उसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। लाइक इफ यू लैक विटामिन ए इन योर बॉडी देन यू कैन लॉस योर विजन। ओके, देन लॉस ऑफ विजन हो सकता है, मतलब आपका जो आईसाइट है आप देखने में आपको बहुत तकलीफ होगी। तो सिम्टम्स क्या क्या है, पुअर विजन, लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस लाइक नाइट ब्लाइंडनेस, मतलब आप रात को नहीं देख पाएंगे, रात को आप अंधे हो जाएंगे, वैसे हो सकता है, ये विटामिन ए की कमी से एक डिजीज है। सो सम कम्प्लीटली लॉस ऑफ विजन, कोई किसी का पूरा ही विजन लॉस हो सकता है। फॉर विटामिन बी वन इट कैन कॉजेज बेरी बेरी इज अ नेम ऑफ अ डिजीज। सो वट आर द सिम्टम्स, वीक मसल्स, मतलब मसल्स को आपको बहुत वीक कर देंगे और वेरी इट इन लिटिल एनर्जी टू वर्क, आप में बहुत ही कम मात्रा में एनर्जी बची रहेगी कोई भी काम करने के लिए। विटामिन सी से क्या हो सकता है, स्कर्वी। सो स्कर्वी में क्या होता है, ब्लीडिंग गम्स, जो आपके जो टीथ के ऊपर जो गम्स हैं माउथ में, तो वो क्या हो सकता है, उसमें से ब्लीड हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकता है। तो इसमें किस वजह से है, विटामिन सी की कमी की वजह से है और बहुत टाइम लग सकता है उसको ठीक होने में। विटामिन डी में क्या हो सकता है, आपको रिकेट्स हो सकता है, बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड बेंट। सो अगर आप में आपके शरीर में विटामिन डी की कमी होगी तो आपको रिकेट्स हो सकती है और उसमें क्या क्या सिम्टम्स आपको देखने को मिलेगा कि आपके जो बोन्स है बहुत ही सॉफ्ट हो जा रहे हैं और बेंड हो जा रहे हैं, मतलब आप ही बहुत ही दुबले पतले हो जा रहे हैं और वो बोन्स जो हैं वो बहुत सॉफ्ट और बेंड हो जा रहे हैं। इफ़ यू लैक कैल्शियम दैट योर बोन एंड टूथ विल बी डीके। सो अगर आप में कैल्शियम की कमी होगी जो आपकी जो हड्डी मतलब बोन्स होंगे और टूथ होंगे वो उसमें डीके हो जाएगा, मतलब वो ख़राब होने लगेगा और आपके सिम्टम्स क्या है, वीक बोन्स, टूथ डीके। If you lack iodine, it can cause goiter. Goiter is the name of a disease. So glands in the neck appear swollen, mental disability in children. So अगर आप में iodine की कमी हो जाएगी तो आपको एक disease हो सकता है, वो क्या नाम है, goiter. तो इसमें क्या क्या symptoms होते हैं, जो neck है आपका, जो गला है वो बहुत ज़्यादा फूल जाता है, गला का जो glands है, और आपको मेंटल डिसेबिलिटी चिल्ड्रंस में ज़्यादातर पाया गया कि उनमें मेंटल मतलब मानसिक शक्ति जो है वो थोड़ी कम हो जाती है। इफ़ यू लैक आयरन इन योर बॉडी देन इट कैन कॉज एनीमिया। अगर आप में आयरन की कमी होगी तो आपको क्या होगा, एनीमिया हो सकता है, और इसमें इसका सिम्टम्स क्या है, वीकनेस, आपको बहुत ही वीकनेस होगा। सो दीज आर ऑल द सिम्टम्स एंड देयर डेफिशिएंसी डिजीजेस। सो स्टूडेंट्स द चैप्टर इज कंप्लीटेड
I hope you all understood the whole chapter and enjoyed, because it's a very interesting chapter. You should always take care about your health, and this is the chapter like where we can take care of our health. So now moving to the exercises of this chapter. So students, I am going to discuss these exercises, because there are very small questions like that have just like tick marks and some one word answer. So I am going to tell you all the answers and you will do in your copy. So students, the first question is, name the major nutrients of in our food. So what are the student major nutrients in our food? You all know that are carbohydrates, proteins, fats, vitamins and minerals. The second one, name the following the nutrients which mainly gives us energy in our body. You should all know that, which nutrients gives us energy. That is, carbohydrates gives us energy, you know. So that second one is the nutrients that are needed for growth and maintenance of our body. So what nutrients helps us to growth and maintenance? That is proteins and minerals. So the third one is the vitamin required for maintaining good eyesight. So vitamin हम लोग को, ताकि हम लोग का eyesight जो है वो अच्छा हो, तो कौन सा vitamin की ज़रूरत होती है? That is vitamin A. A mineral that is required for keeping our bones healthy, which is called calcium, which is very important. You know, you can be strong, you know, you can be very strong if you eat calcium rich foods. Okay, now we will moving to the third question, which is the name two foods rich in fats, starch, dietary fibers and proteins. These like fats, kuch aise khane ka naam, food items ka naam bole jisme fats rich hai, like oil based foods jo hain, aur cream, butter, these are all kinds of foods. Like starch, rice, wheat, these are all starch contained food. Dietary fibers includes whole grains and raw vegetables. You know, we just studied that the plant products are very rich in dietary fibers. The proteins rich food is, we can say, milk, soya beans. These are all protein rich foods. Now this is moving to the fourth question. The first question is, by eating rice alone, we can fulfill nutritional requirement of our body. So students, what do you think about it? By eating rice alone, हम लोग सिर्फ चावल खाने से क्या अपने बॉडी के जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, वो रिक्वायरमेंट्स हैं, वो सब के हम लोग फुलफिल कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते हैं. हमने अभी कहा कि हम लोग को क्यों वराइटीज़ ऑफ खाना खाना चाहिए. तो ये दिस विल बी अ बिग क्रॉस. ओके, नाउ द सेकेंड वन, डेफिशिएंसी डिजीजेज कैन बी प्रिवेंटेड बाई ईटिंग अ बैलेंस डाइट. सो हम लोग अगर बैलेंस डाइट, प्रॉपर बैलेंस डाइट लें, तो हम लोग क्या डेफिशिएंसी डिजीजेस को प्रिवेंट कर सकते हैं? येस, ऑफ कोर्स स्टूडेंट, वी कैन प्रिवेंट द डेफिशिएंसी डिजीजेस बाय टेकिंग अ प्रॉपर बैलेंस डाइट. वी कैन फाइट विद देम, लाइक यू नो. तो दिस विल बी अ बिग टिक मार्क. ओके, सो बैलेंस डाइट फॉर द बॉडी शुड कंटेन अ वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स. येस, बैलेंस डाइट में बहुत सारे फूड आइटम्स की जरूरत होती है, क्योंकि हर एक फूड आइटम्स में अलग अलग न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं. Meat alone is sufficient to provide all the nutrients to the body? Not at all, students. Meat alone cannot provide all the students nutrients to the body. Okay, so meat akela nahi hum log ko provide kar sakta hai nutrients. So this will be a big cross. Now moving to the fill in the blanks. The first one is, DASH is caused by deficiency of vitamin D. So what is the answer, students? I can expect you from you all. So the answer is rickets. Rickets is caused by the deficiency of vitamin D. The second one is, deficiency of DASH causes a disease known as beriberi. So vitamin B1 is the answer of this, because vitamin B1 is, if the vitamin B1 lacks, then it causes beriberi. So deficiency of vitamin C causes a disease known as scurvy. Night blindness is caused due to deficiency of vitamin A in our food. Okay students, the exercises is completed. I hope you all enjoyed my class, and this chapter is seriously very interesting, student. I hope you all understood and enjoyed it a lot. So students, do all the notes in your fair copy, do all the exercises also in your fair copy. Okay students, complete it. Learn all the notes and revise the chapter thoroughly. आपको पूरी जो notes है जो provides किए गए हैं, आप सब उसको copy में उतार लीजिएगा, लिख लीजिएगा, और सारे जो exercise है आपको हमने answers बोल दिए हैं, आप सब उसको भी कर लीजिएगा.
और जो नोट्स से सारे अच्छे से पढ़िए और चैप्टर को और एक बार अच्छे से पूरा रिवाइज कीजिए. एंड स्टूडेंट्स, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन से मी एंड आई एम गोइंग टू क्लियर यू ऑल डाउट्स. ओके, अगर आपको कोई भी दिक्कत हो रही हो, कोई भी डाउट है, तो आप मुझसे बेझिझक पूछ सकते हैं. मैं उसको क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी. सो स्टूडेंट्स, मीटिंग विद द नेक्स्ट चैप्टर इन द नेक्स्ट क्लास. सो स्टूडेंट्स, टिल देन स्टडी दिस चैप्टर एंड दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर. स्टडी एंड वी विल मीट सून विद न्यू चैप्टर इन अ न्यू क्लास. थैंक यू स्टूडेंट्स. Thank you.